अभिषेक बच्चन ने छोड़ा धूम 4 का साथ। विजय कृष्णा आचार्य इस बार लिखेंगे धूम 4 फिल्म की कहानी या दिखाई देंगे डायरेक्टर के रूप में। किस तरह के अलग अंदाज में नजर आने वाली है हीरोइंस? अभिषेक बच्चन की कौन सी बात ने किया धूम 4 की अपकमिंग हीरोइन को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी धूम जल्द ही करने वाली है अपना 4th सीक्वल लॉन्च। ये यश चोपड़ा प्रोडक्शन की एक न्यू कंसेप्चुअल फिल्म थी। यशराज ज्यादातर अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए बॉलीवुड में फेमस थे। उनकी फिल्मों में ज्यादातर आपको शाहरुख खान, पहाड़ी वादिया, शिफोन की साड़ियाँ और हीरोइन की बलखाती अदाएं नजर आया करती थी। लेकिन जब उन्होंने धूम का पहला सीक्वल लॉन्च किया, तब से ही यश चोपड़ा को लेकर सभी के माइंड में इमेज बदल गई। साथ ही बॉलीवुड में एक नेवर सीन बिफोर कॉन्सेप्ट यशराज प्रोडक्शंस के थ्रू आया। फिल्म के तीनों ही सीक्वल बॉक्स ऑफिस और मेगा ब्लॉकबस्टर हिट रहे थे। जिसी भी साल धूम का सीक्वल रिलीज होता है, वो उस साल की नंबर 1 सुपरहिट फिल्म बन जाती है। हर बार परमानेंट रोल में अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित के किरदार में नजर आते थे, लेकिन इस बार 4th सीक्वल में आदित्य चोपड़ा फिल्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। इस बार विलन ही नहीं बल्कि हीरो भी बदला जाएगा। अभिषेक बच्चन जो हर बार मेन लीड में नजर आते थे, उनको फिल्म से रिप्लेस करने की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जिस वक्त धूम के 4th सीक्वल की शूटिंग होने वाली है, उस समय अभिषेक बच्चन अपने पिता यानी कि अमिताभ बच्चन की एक मूवी के रीमेक में बिजी होंगे। एक इंटरव्यू के दौरान काफी घुमा फिरा कर अभिषेक बच्चन ने इस बात की हिंट दी थी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का रीमेक बन सकता है, जिसमें वो एक मेन लीड के तौर पर नजर आएंगे। इसीलिए इस बार 4th सीक्वल में अभिषेक बच्चन का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ा। फिल्म की कहानी को नया लुक देने के लिए पिछली फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य, जिन्होंने पहले सीक्वल की कहानी लिखी थी, इस बार 4th सीक्वल में भी वो कहानी के साथ साथ फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल वो 4th सीक्वल के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आदित्य चोपड़ा और विक्टर फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस ऐड करने के लिए फुल मूड में हैं। इस बार 4th सीक्वल में भी अपना दमदार डायरेक्शन का कमाल दिखाते हुए विक्टर ही नजर आने वाले हैं। इस बार 4th सीक्वल में फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हीरोइनों को बिल्कुल नए तरीके से दिखाने वाले हैं पिछले तीनों ही सीक्वल के मुकाबले। स्टंट और बाइक्स चलाते हुए हीरो नजर आया करते थे और हीरोइन हमेशा ही ग्लैमर का पार्ट रही है। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में यही देखा गया है कि हीरो एक्शन सीन्स करता है और हीरोइन फिल्म के सॉन्ग्स में डांस करती हुई और ग्लैमर का टच देती हुई नजर आती है। लेकिन इस स्टीरियोटाइप को धूम के 4th सीक्वल में तोड़ने का पूरा प्लान बना चुके हैं विक्टर। इस बार हीरो की बराबरी करते हुए सिंह की हीरोइनें भी काफी बड़े एक्शन सीन्स और बाइक सीक्वेंस करती हुई फिल्म में नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ फिल्म के ग्लैमर और डांस नंबर्स का पहला ऑप्शन और प्रेफरेंस हीरोइन रहेगी ही। इस बात तो माननी ही पड़ेगी कि हीरोइन हीरो जैसा कमाल तो दिखा सकती है, लेकिन हीरो चाह कर भी हीरोइंस वाली अदाएं अपने लुक और अपने किरदार में नहीं ला सकते। एक्शन और बाइक सीन्स के साथ साथ हीरोइन फिल्म के आइटम सॉन्ग्स में भी कमाल का धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन वही सॉन्ग फिल्म के आइटम सॉन्ग्स हीरो कभी नहीं कर पाएगा। जब धूम 3 लॉन्च हुई थी, तब एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कैटरीना कैफ ने एक बात बताई थी कि अभिषेक बच्चन ने उनसे कहा था कि कैटरीना कैफ को बाइक सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं है, जबकि कैटरीना फाइट सीन्स धूम 3 में करने वाली थी। उन्होंने कहा था कि बाइक सीक्वेंस करती हुई अगर एक्ट्रेस नजर आती है, तो ये एक टाइप की हीरो के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। उनके इस बयान को लेकर फिल्म के अगले सीक्वल में काम करने वाली हीरोइन ने डिमांड रखी है कि वो भी उतने ही बड़े एक्शन और बाइक सीक्वेंसेस करना चाहती है जितना फिल्म के हीरो और विलन करने वाले हैं। अब धूम 4 को किस तरह से फिल्माया जाता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और आगे की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब करें।